हे गाइस, नया साल आ गया और इंडिया में बहुत सारी नई गाड़ियां लॉन्च होने वाली है। और साथ ही साथ इस महीने इंडिया में दिल्ली ऑटो एक्सपो भी है। अब लेने के लिए गाड़ियां तो बहुत सारी इंडियन मार्केट में, बट नई गाड़ी कौन सी आ रही है ये जानना ज्यादा जरूरी। जिस मेरे एक दोस्त है पंटिया, उसने मेरे से बोला कोई नई गाड़ी मुझे लेना सजेस्ट कर। मैंने बोला तू मेरी वीडियो। अब लिस्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी इंडिया की सबसे मशहूर कंपनियों में से एक है महिंद्रा। महिंद्रा लाने वाली है अपनी एक्सयूवी 400 जो कि एक्सयूवी 300 का ईवी वेरिएंट। अब इस गाड़ी में मैं बताऊं आपको तो आपको बैटरी पैक मिल जाता है 39.4 किलोवाट्स का। जब गाड़ी प्रोड्यूस करेगी पावर 148 bhp की। पावर की बात और करी जाए तो इसमें 310 nm का टॉर्क मिल जाएगा। सिंगल रेंज की बात मैं करूँ तो ये गाड़ी सिंगल चार्ज पर चलेगी 456 किलोमीटर की, जो कि मेरे ख्याल से इंडिया में काफ़ी शानदार रहेगी। एक्सयूवी 400 की प्राइसिंग तकरीबन जाएगी वही 13 लाख से लेकर 18 लाख के बीच। इसके बाद जो गाड़ी आ जाती है वो है बाहर की कंपनी Hyundai, जो कि एक साउथ कोरियन कंपनी है। वो लाने वाली है अपनी आयोनिक 5 करके गाड़ी, जो कि एक फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनकी तरफ से। अब ये गाड़ी थोड़ी सी प्रीमियम सेगमेंट में चली जाएगी। इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन रहेगा किया की तरफ से EV6। इसमें दो बैटरी पैक आएंगे, एक 58 वाला एक 72 वाला। गाड़ी की प्राइसिंग की बात मैं करूँ तो ये तकरीबन 48 लाख से चालू होके 54 तक जाएगी और उसकी बुकिंग प्राइस अकेली 1 लाख दी गई। तीसरी गाड़ी की तरफ चलते हैं जो कि है महिंद्रा की तरफ से थार टू व्हील ड्राइव। अब ये गाड़ी आके लॉन्च हो चुकी है, कल ही लॉन्च हुई है मेरे ख्याल से, मैं थोड़ी सी वीडियो लेट निकाल रहा हूँ। इसमें आपको मिल जाएगा 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो कि थोड़ा सा ज़्यादा छोटा है पुराने वाले की प्रोड्यूस कर रहा है, 117 bhp की पावर, 350 nm का टॉर्क। गाड़ी की प्राइसिंग सिर्फ 10 लाख रुपए से चालू हो रही तो काफ़ी शानदार है मेरे ख्याल से। चौथी गाड़ी आ रही है MG की तरफ से, इनकी MG Hector facelift। ये गाड़ी भी रिसेंटली रिलीज हुई थी। इसकी अपडेट्स की मैं खाली बात करूँ तो इसमें आपको नया इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है, सामने पूरी गाड़ी facelift हुई है। और इंजन की बात करी जाए तो इंजन में आपको वही चीज़ें मिल रही थी जो कि पहले मिल रही है। इसमें वो एक आपको 2 लीटर का डीजल इंजन मिल जा रहा है और 1.5 लीटर का पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड इंजन। गाड़ी की प्राइसिंग ये थोड़ी सी ज़्यादा महंगी गई है। ये गाड़ी चालू हो रही तकरीबन 18 लाख से लेकर 24 लाख। अब भाई बंटी बोल पड़ा कितनी सस्ती गाड़ी है, नहीं थोड़ी सी महंगी बता। मैंने बोला चल ठीक है तेरे लिए महंगी बता देता हूँ। अब चले जाते हैं थोड़ा सा लग्जरी लाइन की तरफ से। BMW ने अभी रिसेंटली लॉन्च करी है अपनी 7 सीरीज और i7 सीरीज। अब 7 सीरीज प्लेन इनकी लग्जरी कार है, i7 इनकी EV कार है। गाड़ी के बारे में और डिटेल्स में आपको दूँ तो ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा शानदार और डायरेक्ट कॉम्पिटिशन के साथ है एस क्लास के साथ। गाड़ी में सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको आपको पीछे वाली जो मतलब बैक सीट है उसमें 31.3 इंच का 8K थिएटर स्क्रीन मिल जाती है जो कि रूफ टॉप पर लगी। इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात करूं तो इलेक्ट्रिक भी उतनी शानदार है। ये गाड़ी सबसे तेज गाड़ियों में से एक होगी। अब मैं इसके पावर की बात करूं पेट्रोल वाले और डीजल वाले वेरिएंट की, तो इसमें 3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन आता है और एक 44.4 लीटर का ट्विन टर्बो V8 इंजन आ जाता है। अब इसमें हम बैटरी पैक की बात करूं तो इसमें आपको 101.7 किलोवाट का बैटरी पैक मिल जाता है। गाड़ी की प्राइसिंग करूं की बात करूं तो मैं नॉर्मल वाली हो जाती है अपनी 1.7 करोड़ की और बड़ी वाली हो जाती है i7 हो जाती है 1.92 करोड़ की। अब इसके बाद आ जाती है BMW का डायरेक्ट काउंटर पार्ट जो कि है मर्सिडीज। मर्सिडीज निकालने वाली मर्सिडीज AMG E53 कैबरियोले। कैबरियोले का मतलब होता है कि जिनकी पूरी कन्वर्टेबल वाली जो नहीं रहती पिचके और 4 सीटर, वो थी कैबरियोले। अभी कैबरियोले लॉन्च हो चुकी है 6 जनवरी 2023 को। इस गाड़ी में इंजन पावर की बात करूँ तो इसमें आपको मिल जाता है 3 लीटर का इनलाइन 6 सिलेंडर ट्विन टर्बो पेट्रोल मोटर इंजन विद माइल्ड हाइब्रिड अवतार। इसकी मैं पावर की बात करूँ तो ये गाड़ी प्रोड्यूस कर देती है 429 bhp की पावर और 552 nm का टॉर्क। इसकी पेयरिंग की बात करूँ तो इसमें 9-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ हुआ जो कि 4-wheel ड्राइव। इसमें आपको 4MATIC पर्ल व्हील ड्राइव वाला सिस्टम भी ढंग से मिल जाता है। ये वाली गाड़ी पड़ जाती है अपन को 1.3 करोड़ उसकी। अब इस साल BMW की तरफ से और भी गाड़ियाँ लॉन्च होने वाली है, उनमें से एक रहेगी अपनी सेमी लग्जरी सेमी ऑफ रोडर X1 गाड़ी। X1 इनकी बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड कार है BMW की तरफ से। ये गाड़ी इस बार इंडिया में लॉन्च हो रही है जबकि पिछले साल ये बवेरियन कार मोटर कार शो में लॉन्च हुई। अपडेट की बात देखा जाए तो इसके इंटीरियर मेजर अपडेट है, कर्व डिस्प्ले स्क्रीन आई है जो आजकल BMW का सिग्नेचर हो गया है, 10.7 इंच की टच स्क्रीन और 10.25 का इंस्ट्रूमेंट डिजिटल क्लस्टर। उसके बाद आ जाता है इसकी पावर। पावर रेंज में इसमें आपको मिल जाएगी, देखो X1 में 2 पेट्रोल आ जाते हैं, 2 डीजल आ जाता है और एक माइल्ड हाइब्रिड वाला ऑप्शन भी आ जाता है। इसकी पेयरिंग रहेगी 7-speed डुअल क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। अब इसमें एक डेडिकेटेड EV मोड भी आता है जिसका नाम है iX1, जिसकी क्लेम्ड रेंज बताई जा रही है 437 की, जो कि बहुत शानदार है बट स्टिल महिंद्रा की XUV 400 से कम है। इस भी गाड़ी की प्राइसिंग रहेगी तकरीबन वही अपनी 50 लाख से लेकर 61 to 62 लाख के बीच।
अब बंटी आसमान से ज़मीन पर आ गया और बोला कि बाकी रेटों की गाड़ियाँ भी बता दे अब। तो मैंने बोला ठीक है। अब अपन आगे गाड़ियों की तरफ से चल रहे हैं तो किया निकालने वाली अपनी नई गाड़ी। किया की तरफ से देखा जाए तो कार्निवल आने वाली। अब कार्निवल पिछले महीने ही दूसरी जगहों पे आ गई है, अपने पास नहीं है ये, पता नहीं क्यों। कार्निवल अपने यहाँ ज़्यादा बिकती नहीं है, मैंने उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वो जाके ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको 1.6 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाता है और 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिल जाता है। मेरे ख्याल से इंडिया में सिर्फ आपको डीजल इंजन मिलेगा क्योंकि टर्बो पेट्रोल इंजन बहुत ज़्यादा हैवी हो जाए। इस गाड़ी की प्राइसिंग की बात मैं करूँ तो ये तकरीबन 35 लाख से लेकर जाके 40-44 लाख तक की जाएगी, इससे ज़्यादा महंगी नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद आ जाती है अपनी मोस्ट अवेटेड गाड़ी जो कि है मारुति जिम्नी 5 डोर। अब मेरे ख्याल से मारुति जिम्नी 5 डोर बहुत ही अच्छी चलेगी क्योंकि ये एक लौता कॉम्पिटिशन है महिंद्रा थार की तरफ से, और कोई मारुति की तरफ से कोई ऑफ रोडर गाड़ी आती नहीं, ये पहली ऑफ रोडर गाड़ी है। अब बाहर मार्केट में देखा जाए तो ये 2 डोर वेरियंट्स में आता, बट इंडिया में निकालने के लिए मारुति ने थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाया है 5 डोर वेरियंट पर। इस गाड़ी की मैं प्राइसिंग की बात करूं तो ये गाड़ी तकरीबन वही 9 लाख से चालू होकर 13 लाख तक जाएगी, उससे ज़्यादा महंगी नहीं रहेगी। इस गाड़ी में इंजन की बात करें जाए तो इंजन आपका वही रहेगा पुराना जो आपको हर गाड़ी में मिलता है, K15C इंजन जो कि 1400 cc का इंजन, ना ज़्यादा उसमें पावर है ना ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। अब मारुति की तरफ से एक और गाड़ी आने वाली है जिसका नाम बलेनो क्रॉस। बलेनो क्रॉस की बात करूँ तो मैं ये कॉम्पैक्ट SUV की मारुति की तरफ से जो कि क्रॉस SUV है, मतलब बलेनो ही होगी, बलेनो के लुक में आएगी, बस उससे थोड़ी सी ज़्यादा साइज में बड़ी होगी। ये गाड़ी आएगी डायरेक्ट कॉम्पिटिशन किसके लिए, क्रेटा के लिए और अपने सेल्टोस के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा लग्जरी वेरियंट में जा रही। गाड़ी की प्राइसिंग की बात मैं करूँ तो ये मेरे ख्याल से नेक्सा से बिकेगी, उसकी प्राइसिंग वही तकरीबन 12 लाख से चालू होकर 16 लाख तक जाएगी, मेरे ख्याल से 18 तक नहीं जाएगी। हम गाड़ी की इंजन की बात में करो तो इसमें प्रॉपर वो वाला इंजन नहीं आएगा जो कि हर गाड़ी में आता है, इसमें मेरे ख्याल से आपको मिल जाएगा 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल बूस्टर जेट इंजन जो कि ज़्यादा अच्छा है और पुरानी बलेनोज में मिल जाता था। इसकी मैं लॉन्च की बात करूँ तो ये तकरीबन हो सकता है आपको इस मंथ के एंड में या फिर नेक्स्ट मंथ दिख जाए, लेकिन आपको ऑटो एक्सपो में तो ये गाड़ी दिखाई देगी जाए। अब आखिरी सेगमेंट में इस गाड़ी में आ जाती है टाटा की तरफ से। टाटा बहुत अच्छी गाड़ियाँ निकालता है, टाटा रिसेंटली बहुत सारी अपडेटेड और बहुत शानदार गाड़ियाँ निकालता है। अब वो फेसलिफ्ट वेरिएंट लाने वाला है कितनी जीचों का, सफारी और हैरियर। अब मेरा मतलब ये नहीं है कि वो इसी महीने दिखाएगा, हो सकता है वो थोड़ा सा बाद में दिखाए, पर दिखाएगा ज़रूर। मैं फेसलिफ्ट की बात करूँ तो दोनों में ख्याल से आपको एज अ फ्रंट लुक वाइज थोड़ा बहुत चेंजेस मिलेगा। स्प्लिट डेनलिटी डिज़ाइन वो अपनी रिटेन करेंगे ही करेंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ। आपको नए अलॉय व्हील्स मिलेंगे और बैक साइड दोनों गाड़ी में सबसे ज़्यादा चेंज दिखाई जाएगा। इंटीरियर की बात करें तो हो सकता है आपको बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाए जिसके कारण से वो गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा इंटीरियर में शानदार दिखाई देगी, अलॉय व्हील्स चेंज होंगे ही होंगे। इंजन की बात करी जाए तो हो सकता है इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि शायद अभी नया प्रोड्यूस करने वाली है टाटा, वो आ जाए। माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम या फिर CNG मेरे ख्याल से इसमें नहीं दिखेगा। So that's it for today guys. If you like this video, please like and subscribe my channel.